माता के नवम रूप माता सिद्धिदात्री की कथा कहेंगे। आज नवरात्रि का नवम दिवस है। माँ, आज हम महाराज देवोदास और माता सरला को आपके नवम स्वरूप की कथा सुनाएंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी कथा को संपन्न कर सके और हमारे यहाँ आने के प्रयोजन को सिद्ध कर सके। भैया, क्या हुआ? जैसे जैसे इस संसार से वेद लुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देवता भी दुर्बल होते जा रहे हैं और दुर्गम असुर के आतंक में वृद्धि के कारण सृष्टि पर संकट की छाया और भी गहराती जा रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब महाराज देवोदास अपनी भूल को समझ ले। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि हमारे समस्त प्रयासों के पश्चात भी महाराज देवोदास अपनी भूल समझने में असमर्थ रहे तो? यदि हम अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो गए तो? भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती देवराजेंद्र। चिंता करने के स्थान पर हमारा कर्तव्य है उचित विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ नवरात्रि पूजन को संपन्न करना। भैया, जिस प्रकार हम पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से माँ की पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमें फल की चिंता त्याग कर संशय के चक्रव्यूह में ना उलझकर कर्म पथ पर स्थित रहना चाहिए, क्योंकि नियति पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भैया, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए यदि हम अपने संशय और चिंता पर नियंत्रण रख भक्ति भाव धारण कर तो माँ अवश्य हमारा पथ प्रदर्शन करेंगी और हमें सफलता प्रदान करेंगी। भैया, ब्राह्मण देवता, मैं माता के नवम स्वरूप की कथा श्रवण करने के लिए अधीर हो रही हूँ। मैं भी आप दोनों को माता के नवम रूप की कथा बताने के लिए अत्यंत आतुर हूँ माता, क्योंकि इसके पश्चात ही महाराज देवोदास का अंतिम चित्त भी जागृत हो जाएगा और उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उन्होंने पिताश्री को उनकी काशी से और माता को पिताश्री से विलग कर कितनी बड़ी भूल कर दी है। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। गणेश, माता का नवम स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री। उनके दिव्य मनोरम रूप में माता की चतुर्भुजाएं हैं। उनके दाहिने ओर के निचले हाथ में चक्र और ऊपर के हाथ में गदा धारण करती हैं माता, और उनके बाई ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपर के हाथ में कमल पुष्प स्थित है। नवरात्रि का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही हैं। आश्चर्य,
ये कब और कैसे हुए ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की, जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। ब्रह्मदेव, आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे। नारायण, सृष्टि के पालन करने का कार्यभार आपका। महादेव, समय आने पर आप संसार के संहारक होंगे। देवी सिद्धिदात्री, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिया, किंतु इन दायित्वों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप में आपकी शक्तियां तो पूर्व से ही आपके साथ थी, किंतु मैं आपको सिद्धियां प्रदान कर आपको आपके दायित्व निभाने का सामर्थ्य प्रदान करती हूं। सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धियां मैं आपको प्रदान करूंगी, वो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। लघिमा, शरीर का भार कम करने की सिद्धि। प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकम, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। महिमा, इच्छा अनुसार विशाल काय होने की सिद्धि। इसी तत्व, समूचिक सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की सिद्धि। सर्वकाम विषयता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं सर्वज्ञ तत्व, जिससे किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, हेमा सिद्धि दात्री। मन वांछित फल प्राप्त करे जो, ध्याते दिवस और रात्रि। हेमा ध्याते दिवस और रात्रि, होमा ध्याते दिवस और रात्रि। अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त
माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है, महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है, और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। आज देवी की पूजा संपन्न हुई है तो महाराज देवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे, क्योंकि यही कहा था गणेश ने, नवरात्रि पूजा संपन्न होने पर महादेव और देवी पार्वती के संयोग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी। आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है, यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें मुझे काशी छोड़कर जाना होगा कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है, मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, 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 नहीं। उद्दद भान सहस्त्र कांतिम रुण क्षामां शिरोमालिका रक्तालिप्त पयोधरां जप पटिं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मितां। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। माता, मैंने आपको महादेव से दूर रहने पर विवश किया और फिर भी आप मुझे अपने सभी स्वरूपों में दिव्य दर्शन प्रदान कर मुझे अपना आशीष प्रदान किया। मैं आपका दोषी हूँ माता, ये मैंने क्या किया माता, माता। माता, महाराज, योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, हम धन्य हो गए।
हम धन्य हो गए, धन्य हो गए हम। महाराज देवोदास, महारानी सरला, ओम जयंती मंगला, मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय, आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा संपन्न कर आपके समस्त चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, जिसके कारण माया की वो महीम परत जो आपकी दृष्टि और बुद्धि को बाधित कर रही थी, अब वो भी हट गई और मेरी कृपा से आप दोनों को अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी और अब आप ये समझने भी सक्षम कि 10 महादेवियां भी मैं और 9 देवी भी मैं ही। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतीयतः। प्रभु, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं प्रभु, बहुत बड़ी भूल। आज मुझे आभास हुआ कि महादेव को काशी से प्रस्थान करने पर विवश कर मैंने कितनी बड़ी भूल की, कितनी बड़ी। भूल तो सुधारी भी जा सकती है महाराज। किंतु कैसे गणेश जी, जब तक मैं यहाँ काशी में हूँ महादेव यहाँ वापस नहीं आ सकते, और काशी का राजा होने के कारण मैं काशी से कहीं नहीं जा सकता। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। प्रभु, आपने कहा था कि 10 दिवस में महाराज की मृत्यु होगी, तो क्या वास्तव में उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? नारायण, प्रभु, मेरे आराध्य। प्रथम पूज्य गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा देवोदास? ये सत्य है कि आप जैसे धर्मात्मा को मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु ये भी सत्य है कि महादेव के काशी लौटने हेतु अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उसके लिए आपको अपने प्राण से वंचित होने अथवा देह को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आपने देवी का पूजन किया है महाराज देवदास, और काशी तो मेरे महादेव का स्थान है, इसलिए काशी मुझे भी प्रिय है। इसलिए मैं काशी में एक सरोवर की रचना करूंगा, जहां पे आप एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिससे आप महादेव को उनकी काशी से बाहर और उनकी शक्ति से दूर करने के पाप से दोष मुक्त होंगे। उसके पश्चात मैं आपको और महारानी सरला को सशरीर वैकुंठ लेके जाऊंगा।
आज से ये सरोवर दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो, दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो, दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो। मामा जी, आपने काशी में अपना सरोवर स्थापित कर काशी को संपूर्णता प्रदान की है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी देवता शेष नहीं है जिनका काशी में स्थान ना हो, जैसे कि पिताश्री का विश्वनाथ मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्म देव का दशा अश्वमेध घाट, सूर्य देव के द्वादश कुंड और योगिनी माताओं के 64 योगिनी घाट। महाराज दीवोदास, अब आपका काशी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, मैंने महादेव को काशी से दूर भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। माता और महादेव को दीर्घ अवधि के लिए एक दूसरे से विलग रखा। मैं इसका पश्चाताप सदैव करता रहूंगा। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, आइए दिवोदास, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है। देव अपनी प्रिय काशी नगरी पहुंचने और देवी आदि शक्ति से अपने संयोग के लिए अधीर हो रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। Hallelujah.
से करने चली मिला अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिला व्याकुल हृदय और सेना पार्वती शिव मिलेंगे होगा मंगल बलवा लौकिक पार्वती शिव अंततः आप मेरे पास प्रभु काशी लौट ही आए किंतु आपने मुझे विशालाक्षी कहकर क्यों पुकारा प्रभु प्रिय आपने इतने वर्षों तक बिना पलके छपकाए अपने विशाल नेत्रों को खोल रख मेरी प्रतीक्षा की इसलिए आज से आप माता काक्षी विशालाक्षी के नाम से भी प्रख्यात हैं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय मेरा परम भक्त ऋषि जगेश्वर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था ओम नमः शिवाय 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 महादेव 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 मेरे प्रभु मेरे महादेव आपने मुझे दर्शन दे दिए आप मुझे मिल गए प्रभु मेरे इस प्रतीक्षा के कठिन समय में कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी ने मुझे जीवित रहने का साहस दिया मेरा विश्वास बंधाया उन्हीं के कारण मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सका महादेव प्रभु आज आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया अब मैं शांति से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ प्रभु ऋषि जगेश्वर अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा आपने प्रण लिया था कि मेरे दर्शन के उपरांत ही आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे तो अब अन्न और जल का सेवन कीजिए ऋषिवर ओम
अन्न चाहिए माता अन्नपूर्णा। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धुता अखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष महेश्वरी चल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षान्ते ही कृपावलंबन करी देवी अन्नपूर्णा, मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगता हूं। देवी अन्नपूर्णा, आप करुणा और उदारता का भाव रखने वालों की सहायक होती हैं। अपने असंख्य उपहारों से एवं सुरक्षा से अपने भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। आपने मेरे भक्त के लिए भोजन प्रस्तुत कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इसलिए यहाँ मेरी प्रिय काशी में आपका मंदिर स्थापित होगा, जिससे आप यहाँ मेरे आने वाले मेरे समस्त भक्तों को अन्न दान दे सके।
की जय, माता आदि शक्ति की जय, माता आदि शक्ति की जय, माता आदि शक्ति की जय। कैसा कोलाहल है? ये कोलाहल नहीं मूर्ख दुर्गमासुर, ये तुम्हारे अंत की सूचना का उद्घोष है। पुत्र गणेश, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकी के अथक प्रयासों से ही पुनः काशी इतनी जीवित और सुखमय हो सकी है, और तुम्हारे कारण ही मैं अपनी प्रिय काशी में लौट सका हूँ। पिताश्री, इसका संपूर्ण श्रेय तो गणेश को ही जाता है, जिसने निराशा के क्षणों में भी भक्ति की शक्ति में अपने दृढ़ विश्वास से हमारे मन में आशा जागृत कर हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। पुत्र गणेश, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? काशी से मैं कितना दूर हो गया था। अपनी प्रिय काशी में प्रवेश के सुख से वंचित था मैं, और मेरे यहां लौटने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, और यहां महेश्वरी मेरी प्रतीक्षा में जड़वत होकर स्थित थी। किंतु तुमने अपनी भक्ति, युक्ति और श्रद्धा से मुझे पुनः मेरी काशी में लौटाने का मार्ग ढूंढ लिया पुत्र, जिसके परिणाम स्वरूप माहेश्वरी की पूर्णता से भी मेरा संयोग संभव हुआ। ओम गजाननाय नमः। पिताश्री, आप और माँ इतने कष्ट में थे, ये मैं कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने तो वही किया पिताश्री, जो एक पुत्र का कर्तव्य था। हैरम्भ, 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 अर्थात निर्बल और लाचार जीवों के सहायक हैरम्भ गणपति, अर्थात वो दयालु भगवान जो अपने भक्तों को हताशा के अंधकार में आशा की किरण दिखाएंगे, जो सभी दुर्बल निसहाय जीवों के रक्षक होंगे। पुत्र गणेश, महाराज राजा देवदास से काशी को मुक्त करवाने के प्रसंग के उपरांत धन्यवाद स्वरूप इसीलिए मैंने तुम्हें अपने अंग से लगाया था, और अब मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे इस रूप में तुम्हारा एक भव्य मंदिर स्थापित होगा। पुत्र, मेरे और महेश्वरी के विलग होने से संसार पर संकट छाया हुआ था, किंतु तुम अपनी भक्ति में अडिग रहे, महाराज देवदास का मार्गदर्शन कर तुमने उनका कल्याण किया, काशी का कल्याण किया, अपनी मां और स्वयं मेरा भी कल्याण किया, मेरे भक्त ऋषि जगेश्वर का कल्याण किया, इसलिए एक प्रकार से तुमने संपूर्ण संसार का ही कल्याण किया। ये तो मात्र मेरा एक दायित्व था। तुमने अपना दायित्व भली भांति निभाया पुत्र, तुमने ना केवल अपने परिवार का भला किया अपितु तुमने मेरे भक्तों की भी रक्षा की। जगत कल्याण को सर्वोपरि रख तुमने संसार को सर्वनाश से सुरक्षित किया, तुमने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की, और यही होगा तुम्हारे हैरम स्वरूप का महत्व पुत्र। अद्भुत, अनूठा, अति सुंदर होगा तुम्हारा स्वरूप। इस स्वरूप में तुम्हारे पंच शीश होंगे, जिनसे तुम सभी प्रमुख दिशाओं में अपने भक्तों पर दृष्टि रख सकोगे, उनकी रक्षा कर सकोगे
क्योंकि तुम तो वो महान रक्षक हो पुत्र, जिसने पूर्व काल में अपने ही दंत का प्रयोग कर अपने भक्तों की रक्षा की। तुम तो असहाय जीवों के सच्चे संरक्षक हो। हे रम गणपति, हे रम गणपति, हे रम गणपति। पाशादन्ताकर्षमला श्रुणु परशु दधानो मुधागरा मुधातं चा।